जम्मू कश्मीर में जहां पर लगातार हर कोई स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है और श्रीनगर के बटमालू से भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां पर लोकल जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि यहां पर जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे यहां पर ना लगाए जाए, लेकिन उनके प्रोटेस्ट होने के बाद ही वहां पर उस एरिया की बिजली कट कर दी गई है। और ये बटमालू श्रीनगर से जो है ये मामला सामने आ रहा है जहां पर बताया जाता है कि सुबह सवेरे ही लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वहां पर केपीडीसीएल की तरफ से वहां पर जो है स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होने वाले थे, लेकिन लोगों ने जो है उन्हें रोका और लोगों ने ये कहा कि यहां पर स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही उस एरिया की बिजली काट दी गई, वहां पर प्रोटेस्ट करने के बाद ही वहां पर बिजली जो है लोगों को नहीं मिल रही है और लोगों का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद ही ये कदम जो है वो लिया गया है, जहां पर स्मार्ट मीटर जो है हर एक एरिया में लगाए जा रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में हर एक इलाके में स्मार्ट मीटर्स लगाया जाए, लेकिन देखा गया है कि पिछले दिनों कहीं लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जम्मू डिवीजन की बात करें कश्मीर डिवीजन की बात करें, वहां पर लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ है। और जो प्रीपेड सिस्टम है स्मार्ट मीटर्स को लेकर इसके खिलाफ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बटमालू में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा था लोकल्स की तरफ से, लेकिन उसके बाद वहां पर बिजली जो है वो छीनी गई है, वहां पर अभी तक जो है लोगों को बिजली नहीं मिल रही है और जहां पर लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी भी हम यहां पर स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाने दिए जाएंगे।